मोहित से भी हमारा अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों से बात कर रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल के बाहर जहां उन्नाव की बेटी यहां पर रात में दम तोड़ दिया, उसके बाद अब सड़क मार्ग से ले जाया गया है। 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा जो हमें जानकारी मिली है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं तो प्रियंका गांधी उन्नाव में पीड़िता के परिवार से मिलने जा रही हैं। यहां लोग नाराज हैं, सफदरजंग अस्पताल के बाहर लगातार अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार यहां पर कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरीके से देखते हैं ये घटनाएं जो हो रही हैं, क्या इलाज है इनका? इनका इलाज यही है कि फांसी देनी चाहिए जो भी अपराध करते हैं, और न्याय तो ऐसे मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत समय लगता है। निर्भया कांड मुझे हुआ 7 साल हो गए, अभी तक कोई फैसला नहीं आया। इनको फांसी देना चाहिए सीधे सीधे। तो क्या इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा ज्यादा है कि सालों साल बीत जाते हैं कुछ होता नहीं? हाँ जी, बहुत गुस्सा है और ये दरिंदगी खत्म होना चाहिए। इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, तुरंत ही फांसी की सजा देनी चाहिए। जब इस तरीके की घटनाएं सुनते हैं तो कभी आपको लगता है कि परिवार में आपके भी बेटियां होंगी? बिल्कुल सर, हमारी भी बेटियां हैं, हमारे दिल सहम जाता है, हम तो बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चियां हमारी कॉलेज भी जाती हैं, पढ़ने भी जाती हैं, हमारा दिल एकदम सीने पे ही रहता है कि कैसे घर आएंगी वो। चलिए, तो लगातार लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और राजनेता भी अपने बयान दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। क्या कुछ नेताओं ने कहा एक बार वो सुन लेते हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से इस मुद्दे पर बयान आ रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता रंजीत रंजन हैं। जिस तरीके से उन्नाव की घटना हुई, गैंगरेप जो पीड़िता है उसकी मौत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगी आप? इसमें मैं कहूंगी कि पूरा राजतंत्र दोषी है, पूरा उन्नाव दोषी है, वहां का सिस्टम दोषी है। उस बच्ची का बलात्कार 2018 दिसंबर में हुआ, मार्च में FIR हो रही है और बार बार उसका परिवार धमकी दे रहा है कि जेल से निकलते ही जला देंगे। और पुलिस वाले चार्जशीट कमजोर करते हैं कि भैया रेपिस्टों को तुम निकलो और जो विक्टिम है उसको मार दो, जला दो, और उसने वही किया। आज फिर निर्भया की माँ ने कहा कि एक बार फिर निर्भया हार गई, आज एक बच्ची और जल गई। एक ही बच्ची नहीं मरी है, हर मिनट में एक बच्ची का रेप हो रहा है और कई मरती चली जा रही हैं। कल बंगाल में 9 महीने की बच्ची का रेप हुआ तो क्या वो बच गई होगी? क्या उसकी भी डेथ हो गई? तो मैं तो सवाल अब सिस्टम से कर रही हूँ। मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि दुख हुआ, तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में आज तक हमने नहीं देखा इस प्रकार, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, कि उत्तर प्रदेश में आज संपूर्ण रूप से जंगल राज और गुंडा राज कायम हो चुका है। संवैधानिक मशीनरी फेल हो रही है और वहां के पुलिस प्रशासन के लोग और सरकार चलाने वाले लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। जो भी दोषी है इस वहशी और बर्बर अपराध के लिए, उसको पूरी से पूरी सजा और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। आज जो है वो यही सभी लोगों की भावनाएं हैं और यही सभी लोगों की आवाज़ है। जो भी प्रयास हो सकते हैं, जो भी कोशिशें हो सकती हैं इस तरह के जघन्य अपराधों को के खात्मे के लिए, वो करने की जरूरत है। तो ये आपने सुना कि तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता किस तरीके से अपनी राय जाहिर कर रहे थे, और निश्चित तौर पर अब नेता ये समझ रहे हैं कि जनता में इस पूरे मुद्दे को लेकर गुस्सा है और उस गुस्से को एक आवाज़ देना बेहद ज़रूरी है। इसलिए तमाम नेता अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, मोहित सिंह जो एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां संघर्ष चल रहा है इसी इंसाफ को लेकर के कि 6 महीने के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ गुस्से में किस तरीके से लोग उद्वेलित हो गए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप सर? इनको अंडरस्ट या इनको डायरेक्ट लाइफ फांसी हो, जो पूरी जनता देखे कि लाइफ फांसी होना चाहिए। और ये लगातार फांसी दो की मांग आप यहाँ पर सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? फांसी दो, सीधे सीधे फांसी दो, फांसी होना चाहिए। लाल किले पे आरोपी बचना नहीं चाहिए, एकदम फांसी होना चाहिए उसको। 24 घंटे के अंदर फांसी होना चाहिए आरोपी को। जो फांसी और लाइव दिखाए फांसी को, जो अपराधियों को जान में डर से बैठा रहे कि फांसी ऐसा होता है। हाँ, चोरी छिपके नहीं, पूरे लाइव। जो ये
तमाम लोग सहमे हुए थे इस घटना को सुनकर। सफदरजंग अस्पताल के बाहर खामोशी से खड़े हुए थे काफी वक्त से, वो अब गुस्से से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपियों को फांसी दिए जाने की, वो भी कह रहे हैं कि लाइव फांसी होनी चाहिए, डर होना चाहिए ऐसे दरिंदों के मन में, और इस तरीके की मांग को लेकर यहाँ लगातार नारेबाजी चल रही है। मोहित सिंह भी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ ये संघर्ष चल रहा है कि इंसाफ मिले और एक ऐसा कानून बने कि एक तय समय के भीतर सजा मिल सके। मोहित, वहां पर लोग जुटे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या समर्थन कितना मिलता हुआ दिख रहा है स्वाति मालीवाल के ये जो आमरण अनशन पर वो बैठी हुई है पांच दिन से? अनुराग, आज पांचवां दिन है और पांचवें दिन पर यहाँ पर जो है राजघाट के ठीक सामने समता स्थल पर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं समता स्थल जो है पूरी तरीके से यहाँ पर भर गया है। आपको यहाँ पर महिलाएं महिलाएं दिखाई देंगी, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो गुस्से में हैं, उनसे हम बात करते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोचती हैं। मैम, आप क्या चाहती हैं, कुछ देर पहले आप जो कह रही थी, क्या क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जैसे वो लड़कियों के साथ कर रहे हैं उनके साथ ही वैसे ही तड़वा तड़वा के मारा जाए, कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा की आप मांग रखी है? कड़ी सजा ये है कि जैसे लड़कियों को तड़पा तड़पा के रेप किया जाता है ना, ऐसे उनको भी तड़पा तड़पा के कैसे सजा देनी चाहिए कि उनके मन में ये ख्याल ही ना है कि हम रेप करें। अब ये गुस्सा है महिलाओं में जो कि गुस्से का इजहार कर रही है, एक दूसरी महिला है, कुछ देर पहले उनकी आंखों में आंसू थे। मैम, आप क्या चाहती हैं, आप क्या वजह है, आप किस लिए आपकी आंखों में आंसू हैं? मेरी बेटी 16 साल पहले उसका मर्डर कर दिया गया, आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि मुझे कानून की तरफ से अच्छी तरह न्याय मिले, वो 7 साल की बेटी थी। आप सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं कि जिस तरीके की जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार देश के अलग अलग कोने में हुए हैं, सरकार क्या कानून बनाए, क्या कदम उठाए? कानून इतना सख्त बनाए कि उस जिस बंदे के ऊपर आरोप हो उसको इतनी सख्ती से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि वो एक मिनट में शिकंजे में आ जाए। मैम संभालिए अपनी, एक माँ का दर्द है जो कि बयान कर रही थी। दूसरी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, आप क्या, आप किस डिमांड के साथ यहाँ पर पहुँची? मैं ये चाहती हूँ जो बड़े बड़े नेता होते हैं इनके साथ क्यों नहीं होता, आम आदमी के साथ ही क्यों होता है? एक दूसरे शख्स है जो अपने गले में कुछ लटका कर लाए हैं, सर आपने क्या लटकाया है गले में, आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं खुले आम इनको सरेआम फांसी हो मैदान में सबके सामने। सर जिम्मेदार कौन है, ये सब जो हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए नेता जिम्मेदार हैं। जब कोई कानून बन सकता है तो इसके लिए सख्त कानून क्यों नहीं बन सकता? कानून बना तो है, लेकिन लटका नहीं रहे ना, लटकाओ, हम लटकते हुए नहीं, ऐसा होएगा तो कानून बनना चाहिए हमारी लेडीज के लिए भी, क्योंकि गर्ल्स नहीं लिखा सकते, आने वाले टाइम में तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। हमारी बेटियां जो बड़ी हो रही उनके लिए ज्यादा लटकता हुआ लिखा चाहिए। बाहर के आदमी कुत्तों की तरह लड़कियों पे झपट पड़ते हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस उसे नोच लेते हैं, और जब लड़की मरती है अंदर से तो उसके अंदर क्या बीतता है? आप भी एक माँ है, जब आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, आपकी बेटी घर से बाहर जाती है, तो आपको किस तरीके का डर लगता है? हमें भी डर लगता है, हमारी बच्ची हम एक मिनट उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, ये सोचते हैं कि बच्चे को हम किसके भरोसे छोड़े, गली में मोहल्ले में नुक्कड़ पे कहीं कोई शैतान तो नहीं बैठा, उसे भेड़िया तो नहीं बैठा था वो जीने के लिए। हमें बहुत डर लगता है और इस पे हमें सख्त कानून चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए। बिल्कुल अनुराग, ये यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि साफ तौर पर कह रही हैं उनको गुस्सा है और अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। अनुराग, ये गुस्सा साफ नजर आता है लोगों के शब्दों में, लोगों के चेहरों पर, लोगों की आंखों में ये गुस्सा और दर्द साफ नजर आता है। ये मांग लगातार बढ़ते हुए